भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति महिला पतंजलि योग समिति एवं युवा भारत की ओर से 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर में श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के सहयोग से किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, जबकि विशेष अतिथि के रूप में संचालक पतंजलि मेगा स्टार सोमदत्त कालिया, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष पविंदर बहल उपस्थित हुए, जिनका राज्य प्रभारी भारत स्वाभिमान राजेंद्र शिंगारी एवं राज्य प्रभारी महिला पतंजलि सीमा शिंगारी एवं संगठन के पदाधिकारी भाई बहनों द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बताया कि पतंजलि योग पीठ संस्थान की योग आयुर्वेद एवं स्वदेशी को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। शीतल विज ने कहा कि योग केवल हमें शारीरिक रूप से ही संतुलित नहीं करता बल्कि मानसिक रूप से भी सक्षम बनाता है। उन्होंने अपने संबोधन में उपस्थित लोगों को रोजाना योग करने के लिए प्रेरित। योग महोत्सव में हजारों की संख्या में साधकों ने भाग लिया, जिसमें बच्चे युवा वृद्ध सभी शामिल हुए। योग दिवस के सफल आयोजन में श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के समस्त पदाधिकारियों और महावितरक हरमंदर सिंह अटवाल का विशेष योगदान रहा। इस अवसर पर राज्य प्रभारी महिला पतंजलि योग समिति सीमा शिंगारी, जिला प्रभारी भारत स्वाभिमान सुधीर सक्सेना, जिला प्रभारी महिला पतंजलि सरोज बाला, पमी प्रियंका, पूनम गुलाटी, सेष्ठा बसी, सुधा जैन, दमनजीत कौर, करुणा सृष्टि, भूषण कोहली आदि मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट।
हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज जो हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं, उसकी ज्योति प्रज्वलित करने के बाद इस कार्यक्रम को आगे शुरू किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे राज्य प्रभारी श्री रजिंदर सिंघारी जी, आज के मुख्य अतिथि और आज के जो कार्यक्रम है उसको रूपरेखा देने वाले हमारे श्री शीतल विज जी, हमारे विशेष अतिथि श्री सोमनाथ कालिया जी, ये कृपा मंच पे पास आए, जिन जिनका आवाज लगाई जाएगी वो मंच पे पास आएंगे और ज्योति प्रज्वलित करते हुए आज की कार्यक्रम को शुरू कराएंगे। बाकी जो भी कार्यकर्ता है जहां जहां भी उनकी जहां पे ड्यूटी लगी है वो खड़े होंगे। ये जो कार्यक्रम है आज को इसको पूरा सुचारू बनाने के लिए हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शीतल विज जी का, महासचिव श्री जेश विज जी, कैशियर पवित्र बैल जी और समूह प्रबंधक कमेटी का ये इसमें पूर्ण योगदान है। हम अपने पूरे संगठनों की तरफ से भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति की तरफ से इनका भाग प्रकट करते हैं। इन्होंने आज के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से हमें करवाने के लिए पूरा सहयोग दिया। मैं निवेदन करूंगा हमारी बहन श्रीमती सीमा सिंघारी जी को, वो भी आगे आए और ज्योति प्रज्वलित करेंगे। महिला पतंजलि योग समिति की राज्य प्रभारी है, तालियों के साथ स्वागत। देखिए जब पहली बार बाबा रामदेव जी यहाँ पे चंद्र नगरी पे आए थे तो मैं अपने संगठनों की तरफ से श्री शीतल विज जी का धन्यवाद करूंगा। इनके प्रयास से ही बाबा जी का यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ था। पहले देवी तला मंदिर में बुलाया गया था, फिर आप सबको पता है कि जो डीएवी कॉलेज की ग्राउंड है। शक्तिपीठ देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी तरफ से मैं आज योगा डे पे सिंघारी जी को उनकी सारा इनकी रहनुमाई में ये प्रबंधक कमेटी के सहयोग से ये सारा कुछ जो आज यहाँ इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। और बिट्टू कालिया जी और हमारे सारी प्रबंधक कमेटी, गांधी योग पीठ और देवी तला मंदिर कमेटी के सहयोग से आज के दिन पे सब बहुत बहुत सबको बधाई देता हूँ और परमात्मा के आगे अरदास करता हूँ कि जो योग का ये इन्होंने अभियान चला रखा है हमारे बाबा रामदेव जी की और बालकृष्ण जी प्राचार्य जी की आशीर्वाद से, इनको बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में भी ऐसे ही ये इस तरह के सहयोग करते रहें, उसके लिए शक्तिपीठ देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से इनको पूर्ण सहयोग का आश्वासन देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी का। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे हम आचार्य जी और आदरणीय परम पूजनीय स्वामी जी की मौन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए देवी तला मंदिर प्रबंधक कमेटी, शीतल जी अध्यक्ष, कालिया जी हमारे हमें प्रोत्साहन देते रहते हैं। ये नीम के पत्थर हैं, दिखते नहीं लेकिन भव्या नीम, इन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा कार्य चला, कारवां शुरू हुआ। अकेले चले थे घर से मंजिले मकसूद को, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं, योग की शरण में आए और योग से व्यक्ति परमात्मा बन सकता है, परमात्मा से मिल सकता है। योग इतनी ऊंची शक्ति रखता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धारणा ध्यान समाधि तक जा सकता है। योग एक बहुत बड़ी कला है। हम सबको ये आज निश्चित करना है, प्रण लेना है भी हम सुबह उठकर
एक घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट योग प्राणायाम से हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। दूसरों की जय से पहले खुद की जय करो। हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करेंगे और भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। और मैं खासकर आज देवी तालाब प्रबंधक कमेटी के जो महासचिव हैं राजेश विज जी, बहुत प्रेम, आज वो जलंधर में नहीं है लेकिन मुझे मालूम है कि उनका मन हमारे बीच में है, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो हमें बहुत सहयोग, जाल की व्यवस्था, ये सारा सुंदर प्रांगण और हमें पूरी सिक्योरिटी, पूरी मंदिर प्रबंधक कमेटी की तरफ से इतना प्रेम मिलता है, दुलार मिलता है। हालांकि जलंधर के बहुत से कॉलेज, बहुत से संगठन, इंस्टीट्यूट हमें बुलाते हैं भी हमारे प्रांगण में करें, लेकिन यहाँ माया माई के प्रांगण में योग करने का आनंद ही अलग है। तो इसलिए मैं आप सबको ज्यादा ना कहते हुए लास्ट में ये कहूंगा, कुछ क्लासों के नाम नहीं बोल सके, जैसे खिंगरा गेट मुरारी मंदिर है, वहां से बहनें आई हैं, विक्की जी हमारे संघ के जो हैं वो बहुत सारे बच्चों को लेकर आए हैं, भाइयों को लेकर आए हैं, उनका भी धन्यवाद है। हमारे बीच में रविदास मंदिर, रविदास स्कूल, अजय यादव जी वो भी आए हुए हैं अपनी सारी क्लास को लेकर, और भी बहुत, हमारी कम से कम 50 क्लासें हैं जो जलंधर में, बहनों की क्लासें हैं, भाइयों की क्लासें, 50 से भी ज्यादा हैं। दूर की जो क्लासें हैं वो उनको हमने नहीं आमंत्रित किया था, जैसे खुरला किंगरा की तरफ है, मॉडल हाउस में भी, वहां भी अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। बहुत ही खुशी का दिन है, आज हम माँ त्रिपुर्णी दरबार में, माँ शक्तिपीठ के दरबार में बैठे आज की ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री शीतल विज जी, मंदिर के मुख्य सेवादार और प्रधान तथा दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक आए हैं हमारे बीच, और इनके साथ आज के हमारे विशेष अतिथि श्री सोमदत्त कालिया जी भी बुला रहे हैं। मैं पतंजलि योग समिति की तरफ से, भारत स्वाभिमान महिला पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी श्री राजेंद्र सिंगारी जी, महिला पतंजलि योग समिति के राज्य प्रभारी श्रीमती सीमा सिंगारी जी।